सोलर पावर एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस फ्री और अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करके आप अपने घर का लोड चला सकते हैं और बैटरीज भी चार्ज कर सकते हैं। और जो बिजली आप इन दोनों कामों के लिए यूज कर रहे थे उसे ना यूज करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। सोलर पावर यूज करने के लिए आपको अपने घर में सोलर पावर सिस्टम लगाना पड़ेगा। सोलर पावर सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, डीसी सिस्टम, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इस वीडियो में हम डीसी सिस्टम कैसे काम करता है ये समझेंगे। डीसी सिस्टम एक ऐसा इनोवेटिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होम लाइटिंग सोलर सॉल्यूशन है जो ऐसे एरियाज के लिए स्पेशली डिजाइन है जहां फ्रीक्वेंट पावर कट्स की प्रॉब्लम है या जिन एरियाज में बिजली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। डीसी सोलर सिस्टम जानने से पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी। एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस एसी प्रोड्यूस करता है। आपके घर में पावर स्टेशन से आने वाली सप्लाई एसी होती है। घर में लगे अप्लायंस यानी टीवी, फैन, लाइट्स भी नॉर्मली एसी होते हैं। सूरज से पैदा होने वाली बिजली और बैटरी में स्टोर्ड पावर डीसी होते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, जो एसी पावर आप अपने घर में यूज कर रहे हैं उसकी जगह अगर आप डीसी पावर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो एसी पावर के मुकाबले लगभग 70% बिजली की सेविंग्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस बैटरी से आप अपने घर में लगे एसी अप्लायंस चला रहे थे उसी बैटरी से अगर आप डीसी अप्लायंस चलाएंगे तो आपके घर में लगी बैटरी आपको 3 गुना ज्यादा बैकअप देगा। विश्वास नहीं होता, पर यह बात बिल्कुल सच है। डीसी पावर से होने वाले फायदे और एसी पावर से होने वाले नुकसान को जानने के लिए हमें इसके वेवफॉर्म को समझना होगा। जैसे हमने अभी समझा, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन बदलती रहती है। यानी एसी सप्लाई की वेवफॉर्म एक साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव अल्टरनेट होती है। वहीं डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, यानी करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। डीसी सप्लाई की वेवफॉर्म कभी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती, जिसका मतलब है कि डीसी सप्लाई में लॉसेस काफी कम होते हैं, जिससे डीसी अप्लायंसेस एसी अप्लायंसेस के मुकाबले काफी कम पावर कंज्यूम करता है। एक एग्जांपल के तौर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपको 54 इंच का डीसी फैन और 54 इंच के एसी फैन को कंपेयर करना है। इन दोनों अप्लायंसेस के पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब अगर हम डीसी फैन की पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम V की वैल्यू फॉर्मूला में 12 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि बैटरी से हमें 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है और डीसी फैन करीब 2.08 एम्पीयर करंट कंज्यूम करता है। तो फॉर्मूला के अनुसार पावर इज इक्वल टू 12 इंटू 2.08 इज इक्वल टू 25 वॉट। अब अगर हम एसी फैन की पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम V की वैल्यू फॉर्मूला में 220 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि मेन से हमारे घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई आती है और एसी फैन करीब 0.36 एम्पीयर मेन से कंज्यूम करता है। तो फॉर्मूला के अनुसार पावर इज इक्वल टू 220 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 80 वॉट। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि एक 54 इंच का डीसी फैन 25 वॉट पावर कंज्यूम करता है, वहीं एक 54 इंच का एसी फैन करीब 80 वॉट पावर कंज्यूम करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डीसी अप्लायंसेस यूज करने से लगभग 70% पावर की सेविंग्स होती है। और क्योंकि कम पावर कंजम्पशन हो रहा है तो जाहिर है कि आपका बैकअप टाइम भी बढ़ जाएगा। 70% कम पावर कंजम्पशन की वजह से हमें बैटरी से 3 गुना ज्यादा बैकअप मिलता है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना फर्क आएगा। अब हम डीसी सप्लाई से डीसी अप्लायंसेस रन करने से होने वाले एक और फायदे को समझेंगे। मान लीजिए आपके घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि मेन से आने वाले एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरीज को चार्ज करता है और उसके बाद बैटरी में स्टोर्ड डीसी सप्लाई को फिर एसी में कन्वर्ट करके लोड रन करता है। इस एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, क्योंकि जब भी एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो हीट या स्विचिंग लॉसेस के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं, जिससे आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड लोड एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करता है। लेकिन एक डीसी सिस्टम में ये लॉसेस नहीं होते,
क्योंकि इस सिस्टम में किसी भी फॉर्म का एनर्जी कन्वर्जन यानी एसी टू डीसी या डीसी टू एसी नहीं होता। ये सिस्टम डीसी पावर से ही बैटरीज को चार्ज करता है और डीसी पावर से ही लोड रन करता है, जिससे डीसी सिस्टम एक साधारण इन्वर्टर से काफ़ी एफिशिएंट बन जाता है। डीसी पावर से होने वाले फ़ायदे तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम एक सोलर डीसी सिस्टम कैसे काम करता है ये समझेंगे। डीसी सिस्टम घर में इंस्टॉल करने के लिए आपको सोलर पैनल्स, बैटरीज और डीसी लोड की ज़रूरत पड़ेगी। डीसी सिस्टम सोलर पैनल से आने वाले डीसी पावर से इंटेलिजेंटली बैटरीज को चार्ज करता है और डीसी लोड रन करता है। ये डीसी सिस्टम 800 VA 12 वोल्ट में अवेलेबल है। इस सिस्टम के साथ आप घर में लगे 3 डीसी फैन, 1 डीसी LED टीवी और 3-4 डीसी LED लाइट्स बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था, ये सारे अप्लायंसेस डीसी हैं, इसलिए इनकी पावर कंजम्पशन एसी अप्लायंसेस के मुकाबले बहुत ही कम होती है। अगर कभी सोलर से मिलने वाला पावर बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो आप अपने डीसी सिस्टम से कनेक्टेड बैटरीज को मेन से भी बड़ी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा डीसी सिस्टम के अंदर 2 चार्ज कंट्रोलर्स इनबिल्ट है, 12 वोल्ट 10 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो सोलर पैनल से आने वाला अनकंट्रोल्ड पावर को कंट्रोल करके आपके बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करता है, और दूसरा है 12 वोल्ट 10 एम्पियर का ग्रिड चार्जर, जो मेन सप्लाई से बैटरीज चार्ज करता है। लेकिन मेन्स की कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ तभी होती है जब सिस्टम से कनेक्टेड बैटरी और सोलर पैनल से आने वाला करंट एक प्रीसेट लिमिट से नीचे चली जाए। इस फीचर की वजह से मेन सप्लाई मिनिमम यूटिलाइज होती है और मैक्सिमम सेविंग्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़े डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने डीसी सिस्टम के साथ 12 वोल्ट 120 AH की बैटरी और 120 वॉट के सोलर पैनल्स कनेक्ट किए हुए हैं। इस 12 वोल्ट बैटरी की बूस्ट वोल्टेज 14.4 वोल्ट है, यानी कि 14.4 वोल्ट पे बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। 120 AH की बैटरी को चार्ज होने के लिए करीब 10 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। डीसी सिस्टम बैटरी को चार्ज करने के लिए पूरे 10 एम्पियर सोलर से लेता है, लेकिन अगर सोलर से मिलने वाला करंट 4 एम्पियर या उससे नीचे चली जाए और बैटरी की वोल्टेज 12.5 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज हो जाए, तो डीसी सिस्टम में मेंस की कनेक्टिविटी हो जाएगी और बैटरीज मेन से चार्ज होगी। और जैसे ही सोलर पावर फिर अवेलेबल हो जाएगी, तो डीसी सिस्टम बैटरीज को सोलर से चार्ज करेगी। अब हम डीसी सिस्टम के फ्रंट पैनल को समझेंगे। डीसी सिस्टम के फ्रंट पैनल पे एक LCD डिस्प्ले और उसके नीचे 3 LED इंडिकेशन लाइट्स प्रोवाइडेड हैं। LCD डिस्प्ले पे आप सिस्टम के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि रुपीज सेविंग्स, बैटरी वोल्टेज, सोलर वोल्टेज और करंट, सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन और ऑफ, ग्रिड चार्जर ऑन और ऑफ, MPPT इक्वलाइजेशन ऑन जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। इसके अलावा LCD डिस्प्ले के नीचे दी गई LED इंडिकेशन लाइट्स अलग अलग कंडीशंस में ग्लो होती है। पहला इंडिकेशन है जब मेन्स से बैटरी चार्ज हो रही है, तो मेन्स चार्जिंग ऑन LED ग्रीन कलर में ग्लो करेगा, और उसके बाद जब बैटरी सोलर से चार्ज हो रही है, तो सोलर चार्जिंग ऑन LED ग्रीन कलर में ब्लिंक करेगी, और जब बैटरी सोलर से फुल्ली चार्ज हो जाए, तो सोलर ऑन LED कंटिन्यूसली ग्लो करेगी। जब सिस्टम से कनेक्टेड बैटरी डिस्चार्ज होकर लो कंडीशन में चली जाए, तो तीसरा LED रेड कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। इसके अलावा DC सिस्टम में एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइडेड है, जिससे आप USB केबल के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन को सोलर पावर से चार्ज कर सकते हैं। अब हम DC सिस्टम में प्रोवाइडेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन फीचर्स को समझेंगे। DC सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए 2 फ्यूज प्रोवाइडेड हैं, AC फ्यूज और DC फ्यूज। पहले हम AC फ्यूज को समझेंगे। DC सिस्टम में 6.5 एम्पियर का AC फ्यूज सिस्टम के साइड पैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर मेन से आने वाला इनपुट करंट 6.5 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ जाए, तो AC फ्यूज ब्लो हो जाता है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखता है। सिस्टम के दूसरे साइड पैनल पे 30 एम्पियर का DC फ्यूज प्रोवाइडेड है। अगर किसी कारण DC सिस्टम के साथ बैटरी के रिवर्स कनेक्शंस हो जाते हैं, तो DC फ्यूज ब्लो हो जाएगा और आपके सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखेगा।